हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंद्र प्रकाश पटेल और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सवालों के ऊपर है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मेरे पास भेजते हैं वो कर्लिंग मशीन के ऊपर भेजते हैं कि मैं कौन सी कर्लिंग मशीन यूज़ करूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे नंबरों की कर्लिंग मशीन आती है, 10 नंबर से स्टार्ट होकर 50 नंबर तक कर्लिंग मशीन जाती है, अलग अलग ब्रांड्स हैं इसके। मगर मैं 3 ऐसे कर्लिंग मशीन बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको मैगी कर्ल्स चाहिए तो उसके लिए आपको कर्लिंग मशीन बताऊंगा। अगर आपको मीडियम साइज़ के कर्लिंग कर्ल चाहिए तो उसके लिए आपको एक कर्लिंग मशीन बताऊंगा। अगर आपको लूज़ कर्ल्स चाहिए तो उसके ऊपर एक कर्लिंग मशीन बताऊंगा। तो बेसिकली जो हमारे पास कर्लिंग मशीन है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो कर्लिंग मशीन है ये 10 mm की कर्लिंग मशीन है। आप इसको जब यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पतले कर्ल होते हैं। जब भी आप कम नंबरों की तरफ जाएंगे तो आपके जो कर्ल होंगे बहुत ही ज़्यादा टाइट कर्ल होंगे, यानी कि बिल्कुल पतले कर्ल होंगे। तो ये हमारी 10 mm की कर्लिंग मशीन है। जब भी आप इसको करते हैं तो आप फ्रंट की तरफ जो ब्राइडल तैयार करते हैं, आप अगर फ्रंट में कर्ल देते हैं तो काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि वो खुल जाते हैं। जब आप ये 10 mm की कर्लिंग मशीन यूज़ करेंगे तो वो नहीं खुलेंगे जल्दी। उसके बाद बात करते हैं 25 mm की कर्लिंग मशीन के ऊपर। तो ये बेसिकली 25 mm की कर्लिंग मशीन जो है मीडियम साइज़ के कर्ल देखने को मिलते हैं। जब भी आपने मेरे ज़्यादातर वीडियोस में देखे होंगे वो मीडियम साइज़ के कर्ल होते हैं, और मैं ज़्यादातर 25 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल करता हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा उसके अंदर रिजल्ट मिलता है। और जब भी आप कर्लिंग मशीन यूज़ करने जाते हैं तो उसकी वायर आमतौर पर आप देखें, उसकी वायर बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लंबी होगी आप इजीली काम कर पाएंगे। अगर मान लो आपके पास पॉइंट अगर दूर है तो आप इसको इस वायर को लगा के इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वायर लंबी होती है। फिर उसके बाद से रोटेट होने वाला भी होना चाहिए, क्लैंप होना चाहिए, तो बहुत ईजी रहता है। अगर ये सारी चीज़ें आप देख के अगर मशीन परचेस करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट कर्ल करने के लिए कौन सी कर्लिंग मशीन का नंबर यूज़ करना चाहिए। तो मेरे पास ये 32 mm की कर्लिंग मशीन है, 32 mm की कर्लिंग मशीन है। तो आप अगर सॉफ्ट कर्ल करने जा रहे हैं तो 32 mm की या 36 mm की कर्लिंग मशीन से आप सॉफ्ट कर्ल्स दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा लूज़ कर्ल रहेंगे तो आप ऐसे बेबी टाइप के कर्ल्स हो जाते हैं उसके अंदर, तो आप ये वाली कर्लिंग मशीन यूज़ करके उसके अंदर कर सकते हैं। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सॉफ्ट कर्ल्स कैसे करते हैं, तो आप ये वाली जो भी बड़े नंबर की कर्लिंग मशीन होती है 32 से लेकर 36 तक, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यही आज का टॉपिक था, और आज मेरे को यही बताना था कि आप कौन से कर्लिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, कौन से आपके काम के होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कर्लिंग मशीन अवेलेबल हैं। और आपको जो यूज़ करनी है वो 10 mm की कर्लिंग मशीन जो कि पतले कर्ल करने के लिए है, उसके बाद से मीडियम कर्ल करने के लिए 25 mm की कर्लिंग मशीन, और उसके बाद से अगर आपको लूज़ कर्ल करने हैं तो 32 mm की कर्लिंग मशीन या 36 mm की कर्लिंग मशीन आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो